हालेलुया, हम आप सबको अपने शो में खुश आमदेद कहते हैं। जितने लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम आप सबके शुक्रगुजार हैं कि आज एक नई एपिसोड में हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो इससे पहले कि हम अपने मेहमानों के तारुफ की तरफ बढ़े, मैं चाहती हूँ कि हम दुआ करें। और आज दुआ में मेरे साथ रहनुमाई करेंगे मेरे छोटे भाई जो आज मेरे साथ को होस्ट हैं, पास्टर रोबन। सो मैं चाहती हूँ कि वो हमारे साथ दुआ में रहनुमाई करें पूरे प्रोग्राम के लिए, मेहमानों के लिए, सारी टीम के लिए, ताकि हम जो भी बातें करें, जो भी बातें हों, वो खुदावंद यीशु हो। तो आए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। आए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। कदूस कदूस वरवर के मालिक की हवा खुदा, मेरे मसीहा, तेरे नाम का शुक्र करते हैं आज के लिए, इन ख़ास लम्हात के लिए कि तूने हम सबको ये वक्त बख्शा कि हम तेरी हजूरी में आएं और तेरे नाम को जलाल दें। शुक्रगुजार है खुदावंद गुड शेपर्ड टीवी के लिए खुदावंद, ओ खुदावंद जिसके खुदावंद वजह से हम खुदावंद यहाँ पर इकट्ठे हैं, जिसकी वसासत से यहाँ पर हम मौजूद हैं। खुदावंद तुरे खुदा अपने हाथ को बढ़ा और बिशप साहब के लिए दुआ करते, अपने बंदा को खूब अपने नाम में खुदावंद ओ इस्तेमाल कर रहे खुदा, और खुदावंद मुल्कों के अंदर अपने बंदा को खुदावंद खूब बढ़ा और अपने नाम के लिए इस्तेमाल करता कि बहुत सारी जिंदगियों को तेरा बंदा तेरी तरफ लेकर आए। और ये खुदा शुक्रगुजार हैं आए हुए मेहमानों के लिए खुदावंद जो हमारे दरमियान मौजूद हैं। खुदावंद जितनी गुफ्तगू शनीद हो खुदावंद तेरे नाम से हो और तेरा नाम जलाल पाए। खुदावंद रे खुदा तो अपने हाथ को बड़ा रखना खुदावंद, सारी टीम के लिए दुआ करता हूँ रे खुदा, सबको खुदावंद छूना और बरकत देना खुदावंद ताकि तेरा नाम जलाल पाए और खुदावंद गुड शेपर्ड टीवी तेरे नाम में बढ़ता चला जाए और रे खुदा तेरे नाम को जलाल देने का वसीला बने खुदावंद, और बहुत सारी बरगश्ता रूहें इसके वसीला से तेरे पास आए। रे खुदा आज का सारा प्रोग्राम खुदावंद ओ खुदावंद तेरे हाथों के नीचे रखते हैं खुदावंद, तो अपने हाथ को बढ़ाना खुदावंद और बरकत देना, अपनी खादमा को छुप बरकत दे खुदावंद और अपने जलाल में बढ़ा, मसीहा के नाम से आमीन। जी नाज़रीन, तो हमने खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी की आज के प्रोग्राम के लिए, आज के शो के लिए। तो हम अपने मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं और उनका तारुफ सुनते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि पास्टर रोबन सबसे पहले तारुफ करवाएं अपने मेहमानों का। जी हमारे दरमियान मुबशर नासिर साहब हैं, हम उनसे उनके बारे में पूछते हैं कि वो अपना तारुफ करवाएं कि कहाँ से बिलोंग करते हैं और खुदा उनको बरकत दे। जी नासिर भाई, सबसे पहले तो आप सबको सलाम। सलाम जी साहब, तो मैं इस्लामाबाद से H92 में खिदमत कर रहा हूँ, अकरम कुनी में, और वेंजलिस तौर पर वर्शी पर हूँ, और खुदा मुझे पूरे पाकिस्तान में इस्तेमाल कर। शुक्रिया भाई, खुदा आपको बरकत दे कि आपने अपने बारे में हमें बताया। और हमारे दरमियान डीकन जुनेद साहब हैं, हम उनके बारे में पूछते हैं कि आप अपना तारुफ हमें करवाएं कि आप कहां से बिलोंग करते हैं। सी में आप सबकी सलामती। सलाम, मैं G8 में रहता हूं। जी एसएम चर्च में खिदमत कर रहा हूं डीकन की मैं, तो खुदा मुझे इस्तेमाल कर। आमीन। शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे, आपके साथ हो और खुदावंद आपको अपने काम में बढ़ाए। आमीन। जी तो हमने अपने मेहमानों का तारुफ सुना है, हम नेक्स्ट अपने अगले मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ हैं सिस्टर शम्स जो कि इस्लामाबाद से हैं, तो मैं उनसे चाहूँगी कि वो अपने बारे में हमें बताएं, कुछ अपना तारुफ करवाएं। जी मैं आप सबकी सलामती हूँ, मेरा नाम शम्स है, मैं H92 में रहती हूँ। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावंद ने हमें आज मौका दिया है कि हम आपके साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आमीन, आमीन। बहुत शुक्रिया सिस्टर। इनके साथ ही हैं सिस्टर नयाब जो कि वो भी आई थिंक इस्लामाबाद से हैं, तो सिस्टर आप हमें अपने बारे में बताएंगी कुछ। जी मेरी तरफ से आप सबको सलाम, और मैं खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजार हूँ जिसने हमें ये मौका बख्शा कि हम मिलकर उसके नाम को इज्जत और जलाल दें और मसीह में हम रफाकत रखें। मेरा नाम नयाब है और मैं ACM चर्च में संडे स्कूल टीचर की खिदमत अंजाम दे रही हूँ। आमीन, आमीन। बहुत शुक्रिया सिस्टर, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं कि आप संडे स्कूल के बच्चों को आप टीच करती हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। हमारे जो न्यू जनरेशन है, हमारे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि चर्चेज में हमारे टीचर्स हों जो बच्चों को टीच करें। तो इसके साथ ही हम अपने शो को आगे बढ़ाते हैं और पास्टर रोबन की तरफ चलते हैं, और हम चाहते हैं कि वो अपने मेहमान से पूछें उनके बारे में, उनकी फैमिली, उनके बैकग्राउंड के बारे में कुछ जानें। जी मुबशर नासिर साहब, आप अपनी फैमिली के बारे में हमें बताएंगे कि आप कहाँ पर रहते हैं। मैं इस्लामाबाद G81 में
हमारी फैमिली है, हमारा गांव है फतोकी। और तो ये इस्लामाबाद में आप कितने अरसा से रह रहे हैं? इस्लामाबाद से पैदाइशी के इधर ही है, मुझे इतना नहीं पता। अच्छा, शुरू से हम इधर आ गए हैं, शुरू से यहाँ पे रह रहे हैं। नहीं तो आपका भाई गांव कौन सा है? फतोकी। फतोकी, तो आपकी जो फैमिली है यानी कि बैकग्राउंड है, जो आपके कहते दादा नाना यानी कि माँ बाप जो थे वो वहाँ से थे, तो आप यहाँ पे आपकी पैदाइश यहाँ की? जी, वो सारे इधर ही आ गए, सारे इधर ही आ गए। सही, तो आप हमें बताएंगे कि आपका फैमिली का यानी कि कैसा था माहौल, घरेलू माहौल जो था बचपन में किस तरह का था? और जो हमारे दादाजी से ना, वो बिल्कुल निपट थे और वो खुदा के कलाम को, खुदा ने उनको नेमत दी हुई थी, हम उससे ही बातें सारी सीखते थे, छोटे देखते थे कि वो कलाम करते हैं, तो उनसे फिर हमारी फैमिली, मेरे बड़े भाई चेंज हुए पास साहब, फिर उन्होंने बाद में पास अख्तर वारिस चेंज हुए, फिर उसके बाद हमारे उनके वसीला से हमारी जिंदगी भी चेंज हुई। सही से। आपकी फैमिली में कोई और भी हैं जो पास्टर हैं या मुबशर हैं? मुबशर है मेरा भाई, एक भाई ढोलक नवाज है, शाकिर भाई। सही सही, हम तीन भाई खिदमत के अंदर हैं। तो आपके पेरेंट्स जिंदे हैं आपके साथ? वालदा मेरी जिंदा है। शुक्र है। जी, तो आप यानी कि एज ए मुबशर खिदमत करें, कितना अरसा हो गया आपको चर्च में खिदमत करते? मुझे 2005 से खिदमत कर रहा हूँ। हाँ, ये 17 साल है। 17 साल हो जी, छोटी सी एज में खुदा लेकर आए। आमीन, हालेलुया जी। तो हमारे साथ ही आगे ब्रदर जुनेद हैं, हम उनसे भी पूछेंगे कि वो अपने अबाई गांव के बारे में बताएं, अपनी फैमिली के बारे में, अपने बहन भाइयों के बारे में कुछ बताएं। जी, मैं इस्लामाबाद में रहता हूं, तो पीछे मेरा गांव खानों में लिया, मेरे अबू लोगों का और मेरी अम्मी लोगों का नारोवाल है। तो मेरे अबू पहले जादूगर होते थे, तो फिर मैं जब हुआ था 7 साल के बाद में हुआ था ना, तो फिर मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गया, तो फिर मेरा अब्बू अपने उस्ताद के पास लेके गया था, उसने बोला था कि ये सारे काम आप छोड़ दो, खुदा ने आपको इतनी अच्छी औलाद दी है, तो आप इसको अपनी ये सारे गलत काम छोड़ दो। फिर वो मेरे ने छोड़ दिए थे। तो फिर मेरी अम्मी ने दुआ करती होती थी, ये सेम चर्च में जाती होती मैं शुरू से ही, तो वो फिर उसने यही टारगेट रखा हुआ था कि मेरा बेटा जब बड़ा होगा ये खिदमत करेगा। तो मैं काफ़ी ज़्यादा सोसाइटियों, बुरी सोसाइटियों में चला गया था ना, ड्रिंक वगैरह करता था, लड़ाई झगड़े करता था, बस खुदा से बहुत दूर था। बट फिर जब एसएम चर्च में लेके आई है मेरी अम्मी, तो फिर तब से मैं चेंज हो गया। तो फिर मैंने पानी का बहुत बात उसमें लिया था, तो फिर खुदा ने मुझे इस्तेमाल किया। आमीन, आमीन, आमीन। आपकी फैमिली में कोई और है जो मुबशर है या पास्टर या कोई खिदमत में है? जी, वो एक चाचू है, वो तो बाहर चला गया, वो खिदमत में था। तो आपकी यानी के पेरेंट्स हैं? नहीं, अम्मी नहीं है, मेरी अब्बू हैं बस। अब्बू हैं, उनका शुक्र हो जी। तो बहुत शुक्रिया भाई, आपने अपने फैमिली के बारे में हमारे साथ शेयर किया, हमने अपने मेहमानों से उनकी फैमिलीज के बारे में सुना, उनके भाई गांव के बारे में जाना। तो इसके साथ ही हम बढ़ते हैं अपने अगले मेहमानों की तरफ। हमारे साथ हैं सिस्टर शम्स, हम उनसे पूछेंगे। सिस्टर, आप हमें बताएंगे अपने फैमिली के बारे में, अपने अबाई गांव के बारे में, अपने बहन भाइयों के बारे में, पेरेंट्स के बारे में। जी, मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने हमें चुना है। हम लोग 8 बहन भाई हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ, और मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ क्योंकि मेरी अम्मी भी बहुत जादूगरों के पास गई थी, लेकिन मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ क्योंकि मेरे अबू भी जो थे वो बहुत कलाम में खुदावंद की खिदमत करते थे, वो कलाम को पढ़ते थे, समझते थे, लेकिन मेरी अम्मी इस साइड पे नहीं थी। लेकिन मेरी अम्मी जादूगरों के पास भी गई, नानी नाना के घर में बुत परस्ती भी, वो खानगा जिसको बोलते हैं, वो भी थी। लेकिन हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि हम सारे बहन भाई खुदावंद में हैं, क्योंकि ये हमारी अम्मी की वजह से, जब हमारी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो हम सारे खुदावंद का खौफ रखते थे, और हमारी अम्मी हमें कहती थी कि आप जो मैंने गुनाह किए हैं आप लोग ना करना, आप सब खुदावंद की तरफ आ जाएं। तो मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे अब्बू भी खुदावंद में हैं, मेरे बहन भाई भी खुदावंद में हैं, और मेरी अम्मी भी अब खुदावंद में हैं। आमीन, आमीन, शुक्र हो खुदावंद का। तो आपकी फैमिली में कोई और भी हैं जो मुबशराना खिदमत कर रहे हैं या आप अकेले हैं? नहीं सिस्टर, मैं अकेली हूँ, लेकिन सब ने पानी का बपतिस्मा लिया है, सब खुदावंद में हैं। हमारे साथ है सिस्टर नयाब। सिस्टर, आप हमें बताएंगी अपने बारे में, अपने गांव के बारे में, फैमिली के बारे में, बहन भाई पेरेंट्स के बारे में कुछ शेयर करेंगे? जी, मेरा तल्लुक इस्लामाबाद से है, और जो मेरे पापा थे वो फैसलाबाद के रहने वाले थे, डिस्कोट शहर से थे।
तो मेरे पापा लोग जब मेरे पापा की जब पैदाइश हुई तो मेरे दादू लोग सारे इस्लामाबाद में आ गए, तो मेरी भी पैदाइश वहीं की है। और पहले हम में से घर में से कोई भी प्रे नहीं था करता, सिर्फ मेरी मामा थी और मेरी नानो होती थे, वो करते होते थे। मैं भी प्रे में नहीं थी, लेकिन मेरी नानो और मेरी मामा मुझे रोज़ रोज़ कहा करती थी दुआ किया करो दुआ किया करो। तो मैं नहीं थी सुनती, मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं, मतलब इधर से सुनती थी और इधर से निकाल देती थी। तो फिर एक दिन आया कि खुदा ने हमें हिकमत बख्शी है, खुदावंद ने अपना जलाल ज़ाहिर किया और हमें अपनी तरफ माइल किया। सो अब मैं भी दुआ में हूँ, मेरे पापा भी, मेरी मम्मा भी, मेरी पूरी फैमिली और सब ने निजात याफ्ता है, सब ने निजात पा चुके हैं और खुदावंद के साथ है हमारे भी साथ। आमीन, बहुत शुक्रिया। तो आपकी फैमिली में हैं और भी जो खिदमत में हैं? जी नहीं, अभी तो सिर्फ मैं ही हूँ, लेकिन बाकी सारे फैमिली चर्च में सभी जाते हैं और दुआ भी करते हैं। सही। तो हमने अपने मेहमानों के बारे में सुना, उन्होंने बताया अपनी फैमिलीज के बारे में, तो मुझे उम्मीद है कि आप सब ने भी बरकत पाई है। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने मेहमानों की तरफ और हम पूछेंगे उनकी गवाही के बारे में। तो पास्टर रोबन अपने जो मेहमान हैं उनसे पूछेंगे उनकी गवाही कि वो किस तरह खुदावंद में आए, किस तरह उन्होंने खुदावंद को कबूल किया। जी गोश साहब, आपकी जो गवाही है वो किस तरह वजूद में आई, खुदावंद ने आपको कैसे चुना, इसके बारे में आप बताना चाहेंगे? मैंने अपनी वालदा को देखता था, मैं छोटे होते वो दुआ करते थे, सुबह 3 बजे उठकर ना दुआ करते थे, तो दुआ करते थे, तो मैं उनको एक दिन में काफ़ी दिन में देखता रहा कि मैं ये दुआ करते तो मैं भी करूं। तो मैंने जैसे यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को दुआ सिखाई, मैंने वही कहा कि मैंने मुझे भी ये दुआ सिखाओ ना, तो उन्होंने दुआ सिखाई। मैं तीनों टाइम जैसे ही पढ़ता था मुझे आवाज़ आना शुरू हो गई, खुदा की आवाज़ आती कि बेटे, मगर मैं डरता था, मैं कहा कोई मुझे आवाज़ देता है, और मैं डरता था और मैं बिल्कुल भी अपने आप को दुआ ही बंद कर दी। मैंने कहा मैं कोई आवाज़ देता है, मुझे डर लगता है उससे ना आवाज़ से। तो मुझे घर वालों ने पूछा, तो फिर मैंने खुदा ने ख्वाबों में बताना शुरू कर दिया, पानी दिखाता था मुझे जो मैं काम करता हूँ। अभी मैं छोटी सी एज में बुरे कामों में पड़ गया था, नशे के अंदर चला गया, और खादम जब चर्च के अंदर जाते थे तो मैं कहता था ये पता नहीं क्या ये लोग, ये बाइबल पढ़ते हैं संडे को, हर संडे जाते हैं चर्च के अंदर बैठे रहते हैं, ये पता नहीं क्या करते हैं। तो मैं लोगों के खादमों के खिलाफ था, मैं कहता हूँ मैं चर्च नहीं जाऊँगा, जो मर्जी हो जाए खाद, खुदा भी मुझे कहना चर्च नहीं। मगर आज मुझे खुदा ने बताया कि तू, मैं चर्च से बाहर नहीं निकलता, मेरी खुदा, मैं ज़्यादातर दुआ में रहता हूँ। जैसे मैंने उन्हें सोचा था ना कि मेरे मैं लोगों को बातें करता था, लोग मुझे बातें करती है, ये चर्च से बाहर नहीं जा रहा। मैं 2010 से, 2010 से अपने बुरे काम छोड़ने हैं जो मैं करता था, मैंने अब खुदावंद में रहना है, क्या कोई मैसेज सुना आपने चर्च में, किस तरह? वो इस तरह हुआ कि हमारे घर में एक पास्टर आया था, तो उसका नाम भूल गया मैं, मगर वो पास्टर ने ना, वो हमें नहीं पता था वो जादूगर है। वो हमें बार बार कहता था बोलोगे, बोलना शुरू किया, हमारे घर के अंदर बदरूह आ गई। पास साहब तो चेंज थे हमारे भाई, जो वो दुआगो थे, मगर परेशान हो गए, मेरे अंदर आ गया यीशु बन के आ गया, भाई के दूसरे भाई के अंदर जो खिदमत के अंदर है वाशर भाई, उसके अंदर खुदा बन के आ गया। हमें सफ़ेद कपड़े पहना दिए, कहता ये खुदा ही है, हम आसमान की बातें वो हमें नहीं पता, मगर वो आसमान की बातें करता था, जितनी चीज़ें थी वो बोलती थी। तो पास्टर बड़े परेशान थे, एक माँ थी वो ऐसे क्या हो रहा है मेरे घर के अंदर, क्या हो रहा है खुदा मुझे बता। फिर वो सिस्टर शनाज उनको लेकर आए फ्रांस में से, वो भी उनके साथ, उनकी शागिर्द है, उनके साथ मिलकर खिदमत कर रही थी। उन्होंने कहा, उन्होंने जैसे ही दुआ शुरू की बदली तस्वीरें हाजिर हो गई, दुआ की, और फिर पास साहब ने दुआ करते करते फिर उनको पता चल गया ये तो ब्लीस सैन के अंदर। 3 दिन उनको भी नहीं पता चलने दिया कि वो खुद, जब वो कलाम की बातें करते तो वो परेशान थे, पासा भी नए नए थे, उनको इनका पता नहीं था। जैसे ही वो उनको पता चला कि वो ये तो ब्लीस है, फिर उन्होंने जब दुआ करना शुरू की, फिर उन्होंने प्रस्तिश की, वो हाजिरी होगी, फिर वो बीच में चीज़ें बोलना शुरू हो गई, फिर उन्होंने पास साहब के वसीला से हम आज़ाद हुए। फिर उसके बाद हम खुदा की तरफ, पास साहब ने फिर हमें एक माँ दिख, हमें कहता था कि तू घर से आपने बाहर नहीं जाना। फिर हम दुआ में ठहरते थे, हमें रोते थे खुदा के हुज़ूर। पास साहब ने मुझे एक दिन थप्पड़ ही मार दिया, कहता कहते हैं मैं कब तक तुम मेरे रहकर बर्दाश्त करूँगा, कहते मैं एक माँ हो गया, मैं जंग कर रहा हूँ पुलिस के साथ, आप अपने मुंह को नहीं खोलते। उन्होंने थप्पड़ मारा, 3रे दिन मुझे बिल्कुल उसका बपतिस्मा हो गया। उसके बाद खुदा ने फिर मैं दुआ में बस खुदा की तरफ आ गया। बहुत अच्छी गवाही भैया आपने शेयर की अपनी,
तो आप बढ़ेंगे अपने अगले मेहमान की तरफ। जी हमारे साथ जुनेद भाई हैं। जुनेद भाई, आपकी जिंदगी में खुदा ने क्या काम किया, आपकी गवाही में आप शेयर करें। जी मेरी अम्मी की यही ख्वाहिश थी कि खिदमत में आए। जी जी, बट आपको मैंने बताया पहले भी, तो मेरा वो जादूगर था ना, इस वजह से फिर मुश्किल थी काफी ज्यादा, वो चीजें नहीं थी मुझे आने दे रही साइड पे। सही। तो फिर अम्मी मेरे लिए दुआ किया करती थी, रोजे भी रखती थी। तो फिर एक दिन मैंने चर्च में जाके कलाम सुना था बात उसमें के बारे में, तो फिर मैंने पास साहब को बोला तो मुझे भी बात उसमा लेना। जी जी। तो मैंने फिर बात उसमा लिया, तो बात उसमा लेके मैं फिर नासर भाई के साथ हम पहाड़ पे प्रे करने गए, तो उसी टाइम मुझे पाखरू खुदा ने दे दिया था। तो फिर बाद में मैंने एक महीना खिदमत किया, दुआ वगैरह रोजे में ठहरो, तो फिर इब्लीस ने मुझे गिरा दिया था। मैं फिर दो तीन महीने मैंने खिदमत नहीं की, ना मैंने दुआ किया, मगर चर्च बैठ गया था, ऐसे खुदा से दूर हो गया था। फिर हमारे चर्च में एक उस्ताद है मेरे भाई प्रयास, तो वो आए एक दिन पास साहब के साथ, तो कह रहे थे कि आप घर में क्या करते हो। मैंने कहा कुछ भी नहीं। तो कह रहा था कि आपने बात उसमा भी लिया है, पाखरू भी मिला हुआ, फिर भी आप घर बैठे हुए खिदमत करो मेरे साथ। तो फिर उसे मैंने एक दिन, तो मैंने बोला कि मैं नहीं आऊंगा, आप जाओ। तो एक दिन नहीं मैं गया, दूसरे दिन वो फिर मेरे घर आ गया, वो फिर मुझे अपने साथ लेके गया, फिर हमने साथ बैठ के दुआ किया। तो फिर से मेरे खुदा मेरी जिंदगी में खुदा ने काम करने शुरू कर दी। फिर हम दुआ रोजे में हमने दुआ की कि खुदा हमें रोजे दे, हमें मतलब हमारी दवाइयाँ जिंदगी बढ़े। हम सारी सारी रात दुआ में गुजार देते थे, सारी रात सारा दिन दुआ में, सिर्फ उसमें हम 3-4 घंटे सोते थे बस, बाकी सारे दुआ रोजा बस। तो फिर खुदा ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो मैं उस्ताद जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे खिदमत को खुदा के बारे में बताया था कि ऐसे ऐसे ये सब कुछ होता है। तो मैं खुदा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने मुझे यहाँ पर पहुँचाया। आमीन। तो आप बताएंगे कि आप कितने अरसे से यानी कि खिदमत में? मुझे 3 साल हो गया। 3 साल जी। आमीन। किस चर्च से आप बिलोंग करते हैं? एसीएम। एसीएम, ओके गुड। चलें शुक्रिया भाई आपका, आपने बड़ी अच्छी अपनी गवाहियाँ शेयर की हमारे साथ। तो इसके साथ ही हम अपने अगले मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ सिस्टर शम्स हैं। सिस्टर आप हमें बताएंगे अपने बारे में, अपनी गवाही हमारे साथ शेयर करेंगे, किस तरह आप खिदमत में आई, क्या ऐसा कोई आपने आपने यानी कि चर्च में मैसेज सुना या जिसने आपके दिल पे चोट की और आप खिदमत में आई? जी सिस्टर, मेरी ये गवाही है कि मैंने बताया कि मेरी अम्मी बहुत बीमार थी, तो वो बुत परस्ती भी करती थी, और फिर जब अम्मी ठीक नहीं थी तो वो जादूगरों के पास भी गई। फिर सब कुछ छोड़ के अम्मी ने 2010 में बपतिस्मा लिया। उसके बाद मेरी अम्मी इस साइड पे नहीं गई, बड़े लोगों ने बोला है कि आप फिर जादूगरों के पास जाएं, तवीज लें, ये वो जो भी है, लेकिन मेरी अम्मी ने फिर तौबा कर ली इस चीज से। लेकिन अभी तक मेरी अम्मी को आराम नहीं आया, लेकिन हम अपनी अम्मी के वसीले से पूरी फैमिली खुदावन की तरफ से खुदावन की तरफ है, क्योंकि मेरी अम्मी कहती थी कि जो मैंने गुनाह किए आप ना करें, क्योंकि खुदावन ही हमारी जिंदगी है और खुदावन ही सब कुछ है। वो हमें बड़ा कहती थी कि दुआ में आ जाएं तो दुआ करें। मैं तकरीबन 4-5 साल पहले ही ये देखती थी कि खुदावन मुझे इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन मैं गौर नहीं करती थी। मेरी अम्मी कहती थी कि दुआ करो, खुदावन आपको इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन मैं कहती थी कि मुझे कैसे इस्तेमाल कर सकता है खुदावन। तो फिर मेरी अम्मी मेरे पास रामपाद आई नारवाल से, फिर हमने भाई नासर को बुलाया दुआ के लिए। तो दुआ जब भाई करते थे फिर भी राम नहीं आया, लेकिन फिर मेरी अम्मी कहती है कि आप लोग जब तक, मैंने भी गुनाह किए, लेकिन मैं कहती कि हम पूरी फैमिली खुदावन में आ जाए। तो फिर भाई नासर के वसीले से मेरी जिंदगी इसी तरह बदली, क्योंकि भाई कहते थे कि बहन आप मेरे साथ खिदमत करो, तो मैंने कहा नहीं भाई, मेरे तो घर के काम इतने हैं, मेरी बच्चे हैं, तो मैं टाइम नहीं दे सकती। लेकिन भाई कहता था नहीं बहन, जैसे आप मुझे बताती है, और खुदावन भी कहता है कि मैं इस बेटी को इस्तेमाल करना चाहता हूँ। लेकिन एसीएम चर्च से जब मैं जाती थी अम्मी की वजह से, वरना मैं ऐसे नहीं जाती थी, बस मजबूरी के तौर पर जाती थी। तो मैं कहती थी कि अम्मी जब जाती थी कहती थी कि चर्च जाना, तो मैं कहती थी अम्मी आप चले जाएं। तो जब जाती थी तो फिर तलावत जब मैं करती थी, तो भाई मुझे कहता है कि बहन आप जब तलावत करती है तो मुझे ऐसे लगता है कि खुदावंद आपको इस्तेमाल करेगा। तो मैंने कहा नहीं भाई। तो फिर खुदावंद का मैं शुक्र अदा करती हूँ कि 2020 में बपतिस्मा लिया, 8वें महीने की 20 तारीख को। तो
एक साल के बाद खुदावंद ने मुझे फिर इस्तेमाल किया। खुदावंद मेरे साथ ख्वाबों में ख्यालों में आता था, तो मुझे ऐसे लगता था कि जैसे मैं जोश के साथ दुआ करूं, लेकिन मुझ में वो पावर नहीं थी, लेकिन मैं बस ऐसे ही अपने ख्याल से कि मैं ये कर सकती हूँ कर सकती हूँ। लेकिन खुदावंद का मैं शुक्र अदा करती हूँ कि हम भाई नासिर के वसीले से और अपनी अम्मी की बीमारी की वजह से आज हम पूरी फैमिली खुदावंद में है। आमीन आमीन जी सिस्टर। तो खुदावंद आपको बरकत दे, आपने बड़ी अच्छी अपनी गवाही शेयर की है हमारे साथ। इनके साथ ही हैं सिस्टर नयाब। सो सिस्टर आप हमारे साथ शेयर करेंगे अपनी गवाही, किस तरह आप इस खिदमत में आई हैं, किस तरह आपने खुदावंद यसू को अपना निजात दहिंदा कबूल किया। जी बिल्कुल, जब मैंने पहले बता चुकी मैं ना जब छोटी होती थी तो तभी से दुआ तो मैं करती होती थी लेकिन खुदा की तरफ नहीं थी। मुझे इतना पता था कि हाँ एक यसू है और उससे दुआ करनी है, उससे मांगना है, लेकिन ये था कि तब इतना दिल नहीं था करता। और फिर मैं इसी तरह दुनिया की ख्वाहिशों में, इसी तरह के गानों फिल्मों में ड्रामों में इसी तरह देखती रहती पढ़ती रहती थी। कभी दुआ नहीं थी कि मम्मा कहते होते थे दुआ किया करो दुआ किया करो, जब वो कहते थे तो तब 2-3 मिनट की कर लेती थी, तो बस कि मम्मा चुप हो गई अब चलो दुआ ख़त्म हो गई तो बातें ख़त्म हो गई। इसी तरह फिर नासिर भाई हमारे घर आते होते थे दुआ करने के लिए, तो ये जब भी दुआ करते होते थे तो मैं घर कमरे से बाहर निकल जाती थी ना, मैंने कहा ये दुआ करके चले जाएंगे फिर अंदर आ जाऊँगी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि ये दुआ करने बैठ गए तो भाई कहते हैं भाजी आप भी बैठ जाओ, मैंने कहा चलो बैठ जाती हूँ, उन्होंने कहा है तो चलो एक दफ़ा बैठ जाती हूँ। उस दिन मैं बैठी तो भाई नासिर इसी तरह दुआ कर रहे थे, तो दुआ में खुदावन ने मुझे इस कदर छुआ कि मुझे खुद को नहीं था पता कि भाई कहने लगे कि बेटा तुम उठ के ना आगे आ जाओ। तो मैं जब आगे बैठी तो भाई ने मेरे सर के ऊपर हाथ रख के दुआ करनी शुरू की, तो मेरे आंसू जारी और मैं अपने बदन को बिल्कुल हल्का महसूस कर रही थी और मैंने फील किया कैसे जैसे खुदावन मुझसे कहता है कि जा तेरे गुनाह माफ़ हुए और आगे गुनाह ना करना। और फिर भाई मुझसे पूछने लगे कि बाजी आपने क्या फ़ील किया, तो मैंने भाई से बोला भाई मैंने ऐसा कुछ फ़ील नहीं किया ना, मुझे भाई से पहली दफ़ा था तो मैंने मुझे भाई से बात करते हुए ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, तो फिर मैंने नानों से बात की, मैंने कहा मम्मी ऐसे ऐसे मुझे ना फील हुआ है, तो अम्मी ने भाई को बताया, तो भाई कहता है बट बाजी यही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था तो आप मुझे बता क्यों नहीं रही थी। तो यही बात हुई, फिर मैं चले गई भाई को छोड़ के, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं ये जो मैंने फील किया बस यही है इतनी देर का ये। तो भाई फिर भाई लोग बैठे वगैरह तो मैं साइड पे हो गई। 2 दिन बाद भाई आए, भाई कहने लगे कि बाजी खुदा ने मुझे बोला है कि आप ना रोजे रखा करो। मैंने कहा अच्छा भाई मैं रखूँगी, मैंने बोल दिया, भाई चले गए। भाई मैंने रोजे वगैरह नहीं रखे, तो मैंने कहा चलो छोड़ो क्या करना है रोजे रख के। तो अगले दिन 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद भाई फिर से आए और भाई ने कहा कि सिस्टर मुझे खुदा ने बोला है कि आप रोजे नहीं रख रही, मैंने आपसे बोला था। फिर मैंने सोचा चलो कह रहे हैं तो चलो 3-4 रख लेती हूँ और क्या। रोजे रखने शुरू किए, फिर इसी तरह खुदावंद ने मुझे अपने आप में इतना मगन किया कि फिर मेरा दिल चाहना शुरू हो गया कि हाँ यार दुआ करनी चाहिए, दुआ से सुकून मिलता है तसल्ली मिलती है। और इसी तरह फिर जब चर्च में ने फिर जाना शुरू किया और फिर जब मैं नासिर भाई को जैसे लोगों पे सर हाथ रख कर दुआ करने करती देखती थी, बद्रूहों को निकालती देखती थी, तो मेरे दिल में ये ख्वाहिश थी कि मैं भी भाई नासिर की तरह का काम करूँ, मैं भी इसी तरह खिदमत करूँ। तो ये जोश मेरे अंदर इसी तरह बढ़ता गया और फिर आज खुदावंद ने मुझे इस मकाम पर खड़ा किया। आमीन आमीन। बहुत अच्छी गवाही आपने शेयर की अपनी हमारे साथ सिस्टर, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। तो हम अपने मेहमानों की तरफ बढ़ेंगे, उनसे हम पूछेंगे कि ब्रदर मैं पूछना चाहूँगी कि स्पेशली हमारे यूथ के लिए जो हमारे यंग बच्चे हैं जो मसीह में आते हैं, यानी कि उनके लिए क्वेश्चन है कि जो मसीह के डिसाइपल हैं मसीह के जो शागिर्द हैं वो किस तरह के होने चाहिए। मैं तो एक चीज़ जो मुझे खुदा ने सिखाई है, तो मैं खुदा से यही सीखा है कि शागिर्द बनना आसान है, कायम रहना मुश्किल है, अमल करना मुश्किल है। तो मैं हमेशा जितने भी मेरे पास जितनी भी मेरी प्रे टीम है, मैं सबसे यही कहता हूँ कि मैं ज़्यादातर मैं लोगों को खींचता हूँ प्रे टीम के अंदर। जब मुझे पता कि जब ये इंटर होंगे आग के अंदर आएंगे ना, आग के अंदर कोई भी चीज़ ठहर नहीं सकती, गुनाह भी नहीं ठहर सकता। जब आग लगी हो ना, जब आग जल रही हो तो कोई भी चीज़ करीब नहीं आती। तो मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों को, मैं यंग लोगों को या फैमिली को जाकर मैं चर्च की तरफ लाऊं। चर्च के अंदर जब दुआ प्रे मीटिंग हमारी होती है 7 से 8 बजे, हमारे 25-30 लोग होते हैं, हम रोज़ाना प्रे करते हैं। तो जब उनके अंदर लेकर आता हूँ फिर वो आस्ते आस्ते उनकी सोचें बदलती हैं, उनके जहन बदल जाते हैं, ये दुआ करते हैं इनके वसीला से ऐसे काम, लोग बदरू गिरफ्तार भी, जकड़े भी लोग आज़ाद होते हैं, लोग स्लेन भी होते हैं, खुदा काम कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जहन में जो जैसे मुझे खुदा ने टारगेट दिया है कि हमें भी चाहिए कि हम लोगों को जब बाहर जो नशे के अंदर झगड़े हुए दूसरी तरफ, मगर मेरी टारगेट खुदा ने कहा कि तू ये काम नहीं, तू ऐसे कर लोगों को, तो ऐसे लोगों को खींचे। और खुदा मुझे कलाम करता है, लोगों को मुझे बताता है, घर में चर्च में दुआ करता हूँ, खुदा मुझे फैमिली को बताता है इस घर में जा
उनका ये मसला या पास्टर का ये प्रॉब्लम चल रही है, उनको बता जाके इनसे ऐसे निकल सकते हो बाहर। तो मैं फिर ऐसे ही करता हूँ, फिर मैं लोगों को वैसे ही, मैं किसी के घर नहीं जाता, मैं जब तक मुझे खुदा ना भेजे, मुझे खुदा भेजता मैं फिर फैमिली को पूरी कोशिश होती है कि मैं पूरी फैमिली को खुदा की तरफ लेकर आ जाऊँ, और मैं ऐसे ही फैमिली को खुदा की तरफ ला रहा हूँ कि मैं, अगर खुदा ने आपको कोई टारगेट रोया दी है तो आप उस रोया पे काम कर रहे हैं तो फिर खुदा आपको सरफराजी देगा, खुदा आपको कामयाब देगा। मगर मैं चाहता हूँ कि आज जैसे आज के स्टूडेंट हैं, जैसे खुदा के नए उठते हैं जोश, वो यूथ उनके लिए ये कि आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, जब तक आप दुआ में खुदा के साथ पहले आप खुद सिंसेर हो, खुदा वफादारी में आए, जब आप वफादारी के साथ आएंगे तो जाल डालेंगे तो आपके पास खुद खुद मछली आए। आमीन आमीन। जी जी बिल्कुल भाई, हम यही क्वेश्चन भाई जुनैद से करेंगे क्योंकि ये भी यंग है, तो यूथ के लिए मैं यही आपसे भी पूछूँ कि किस तरह के डिसाइपल होने चाहिए खुदावंद यीशु मसीह के, किस तरह के हमें बनना चाहिए डिसाइपल के, जो वाकई हम मसीह के डिसाइपल या मसीह के शागिर्द कहलाएं। जी हमें ऐसे होने चाहिए कि खुदावंद में हमें ज़्यादा से ज़्यादा खुदावंद के जुरी में रहना चाहिए, बट आजकल खुदावंद से बहुत ज़्यादा लड़के बेटे बेटियाँ खुदावंद से बहुत ज़्यादा दूर हैं, जो जिन तक भी ये मेरा मैसेज आता है तो आगे रिक्वेस्ट है कि वो खुदा को अपना लें, क्योंकि दिन आपको पता है जैसे चल रहे हैं, बीमारियाँ आ रही हैं, मुसीबतें आ रही हैं, वो बाहें आ रही हैं, हमें चाहिए कि हम भी खुदावंद की हजूरी में अपने आप को तैयार करें खुदावंद की बादशाही में जाने के लिए, और हम खुदावंद की हजूरी में ज़्यादा से ज़्यादा प्रे किया करें ताकि हम खुदा को पसंद आए, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा खुदावंद की बातें सुननी चाहिए, कलाम सुनना चाहिए, उसका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसके साथ स्पेंड करना चाहिए, और हमें दुआ रोज़े में ठहरना चाहिए क्योंकि रोज़ा तमाम बंदरों को जो भी पुलिस के मनसूबे होते हैं उनको तोड़ता है, दुआ रोज़ा में लाजमी एक हफ्ते में हमें तीन रोज़े लाजमी रखने चाहिए, एक दिन में तीन चार बार दुआ लाजमी हमें करनी चाहिए, फिर हम खुदा की आसमान की बादशाही में जा सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं जा सकते। जी बहुत अच्छी बातें की आपने, स्पेशली हमारी यूथ के लिए भाई, हम तो हमें ज़रूरत है इस बात की क्योंकि हमें जो हमारी यूथ है स्पेशली उनको इस वक्त में बहुत ज़रूरत है कि खुदावंद के कलाम को सुनें, खुदावंद के कलाम पे अमल करें और उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चलें। तो हमारे साथ सिस्टर शम्स हैं, हम उनसे भी पूछेंगे कि आप हमें बताएं कि जो मसीह के डिसाइपल हैं या मसीह के जो शागिर्द हैं वो किस तरह के होने चाहिए, कि हमें किस तरह के शागिर्द बनना चाहिए। सिस्टर मैं तो ये कहूँगी यंग यूथ से कि जब हमें नहीं पता होता खुदावंद का तो हम इधर उधर घूमते हैं दुनियादारी में, लेकिन जब हम खुदावंद में आ जाते हैं तो फिर हमें अपने पीछे नहीं देखना चाहिए कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया, फिर हमें खुदावंद में कायम रहना है। अगर हम खुदावंद में कायम रहेंगे तो हमारी ज़िंदगी है, अदरवाइज़ नहीं, क्योंकि जब इंसान खुदावंद में कायम रहता है तो ही वो सरफराजी को पाता है, कामयाबी को पाता है, और हमें हर वक्त खुदावंद की हजूरी में रहना चाहिए, खुद ज़्यादा से ज़्यादा वक्त खुदावंद की हजूरी में गुजारना चाहिए, और हमें हर वक्त खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि हम खुदावंद को नहीं चुनते बल्कि खुदावंद हमें चुन लेता है। ये हमारे ऊपर खुदावंद का फजल होता है, खुदावंद का रहम होता है कि खुदावंद हम गुनाहगारों को चुन लेता है, वरना हम इस लायक ना थे कि खुदावंद ने हमें चुना है। और मेरी यंग यूथ से यही गुजारिश है, जितने भी सुन रहे हैं उनसे यही गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त खुदावंद की हजूरी में गुजारें, अपने खुदावंद का हर वक्त शुक्र अदा करें, और जितने भी उस्ताद हैं जो सीख रहे हैं, खादमों से सीख रहे हैं, अपने उस्तादों से सीख रहे हैं, उनकी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि जो भी कोई टीचर है या जो भी है, हम अपने उस्तादों की इज्जत करेंगे तो ही हम कामयाब होंगे, क्योंकि जो हमारे उस्ताद हैं वो बहुत ही ज़रूरी हैं हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि हम उस्ताद के बिना कुछ भी नहीं हैं। तो मेरी सबसे यही गुजारिश है यंग यूथ से भी और जो नौजवान हैं, बुज़ुर्ग हैं, कि अपने उस्तादों की कदर करें, अपने खादमों की इज्जत करें, और सबसे ज़्यादा कि खुदावंद के कलाम पर अमल करें, कि खुदावंद का कलाम भी हमें कहता है कि हर वक्त खुदावंद में बड़े रहो, तो हमें हर वक्त उठते बैठते चलते फिरते हमें खुदावंद की हजूरी में रहना है। ज़रूरी नहीं है कि हम एक अलग से टाइम रखेंगे तो ही हम खुदावंद की हजूरी में हैं, हमें हर वक्त अपने आप को हर वक्त हमें खुदावंद की हजूरी में रहना है। हम बेशक अपने बिस्तर में हैं, जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्योंकि खुदावंद का आपको देखता है, आपको दिल को देखता है,
खुदावंद कहता है कि अपने कपड़ों को चाक ना करे बल्कि अपने दिलों को। तो हमें अपने दिल में हर वक्त खुदावंद का खौफ रखना चाहिए, खासकर यंग यूथ को कि जो बुरी सोसाइटी में बैठती हैं लड़कियां या लड़के। तो हमें दुनियादारी से हट के खुदावंद की हजूरी में आना चाहिए, क्योंकि खुदावंद ही जिंदगी है और खुदावंद के पास ही कुंजियाँ हैं जिस बादशाही में हम दाखिल हो सकते हैं। तो हमें अपने चाल चलन से दूसरों पर असर, हमारे चाल चलन की वजह से दूसरों पर असर होना चाहिए। हम जब दुआ करते हैं तो हमारी दुआओं में असर होना चाहिए, ताकि हम खुद तो बच रहे हैं लेकिन हमारे वसीले से दूसरी जिंदगियां भी बचे। हालेलुया, आमीन। बहुत शुक्रिया सिस्टर जी, आपने बड़ी अच्छी बातें की। तो हमारे साथ हैं सिस्टर नयाब, हम उनसे भी पूछेंगे कि आप हमें बताएं कि मसीह के डिसाइपल जो है वो किस तरह के होने चाहिए, मसीह के शागिर्द जो हैं हमें किस तरह के बनने हैं, हम किस तरह के मसीह के शागिर्द बने। जी, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो मसीह के जो शागिर्द हैं वो सबसे पहले तो उनमें ईमान की मजबूती जो है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जब हमें खुदा जब ईमान होगा तो ईमान के वसीला से हर एक काम होते हैं, ईमान के वसीले से बंधन और जुए और तमाम तरह की बीमारियां हमारे बदनों से जाती हैं। और जो यंग यूथ है वो ये है कि आजकल तो अब्लीस जो है जो वो भी जवानों के पीछे पड़ा हुआ है, और जो खुदावन है वो भी ऐसे फर्जंद ढूंढता है, वो जवानी के फर्जंदों को पसंद करता है। और जो हम हैं जो छोटी एज के हैं, जो यंग हैं, हमें चाहिए कि हम अभी से खुदावंद को अपनी ज़िंदगी दे दें, क्योंकि जब हम बुढ़ापे में होते हैं तो तब खुदावंद को हमारी ज़िंदगी देने का क्या फ़ायदा, क्योंकि खुदावंद तो ऐसे जो सुर में होते हैं वो ढूंढता है, जब हम जवानी में होते हैं खुदावंद जवानी के फर्जंद कर हमसे करता है। लेकिन आज हम जो हैं वो ऐसा नहीं करते, हम जब 30-40 साल के हो जाते हैं फिर कहते हैं जी अब हम तौबा कर लें, अब हमारा टाइम नज़दीक है जी, अब हमने चले जाना है तो अब तौबा कर लें। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, खुदावंद के जो शागिर्द हैं वो ईमानदार होने चाहिए और ईमान में कायम होने चाहिए, क्योंकि जो ईमान की मजबूती है वही हमें कामिल करती है। और फिर जब देखा जाए तो एक खुदावंद के जो शागिर्द हैं उनमें रूह कुदस का होना बहुत लाजम है, क्योंकि जब यीशु के शागिर्द थे जब उनके पास रूह नहीं था तो वो हर जगह पर कहीं ना कहीं डर जाते थे, घबरा जाते थे, लेकिन जब रूह कुदस आया तो वो उन्होंने दलेरी और कुव्वत को पाया। और आज मैं जितने नौजवान हैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि हमें चाहिए कि हम अपने चाल चलन को भी दुरुस्त करें, क्योंकि खुदावंद के कलाम में यूँ ही लिखा है कि लोग तेरे नेक कामों को देखकर तेरे खुदावंद की तमजीद करेंगे। तो आज मैं उनसे यही कहूँगी कि खुदावंद को अपनी ज़िंदगी दें, और जवानी के फर्जंद खुदा पसंद करता है और हमें जवानी में खुदावंद को याद करने की ज़रूरत है। जी, तो बहुत शुक्रिया सिस्टर नयाब, आपने बड़ी अच्छी बातें की स्पेशली यूथ के बारे में। हमारे सारे जो मेहमान हैं उन्होंने बड़ा अच्छा मैसेज दिया यूथ को कि हमारी यूथ किस तरह की होनी चाहिए, हमें किस तरह खुदावंद के जो अच्छे शागिर्द है वो बनना है, खुदावंद को हमेशा याद करना है, अपने दिलों में जगह देनी है, खुदावंद के साथ चलना है, दुआ और रोज़े में ठहरना है, तो फिर हम खुदावंद को पा सकते हैं, उसके अच्छे शागिर्द बन सकते हैं अपनी अमली ज़िंदगी से भी। खाली हम दिखावे के लिए ना करें बल्कि उस पर वाकई अमल भी करें तो फिर हम खुदावंद के अच्छे शागिर्द बन सकते हैं। तो इसके साथ ही हम पास्टर साहब की तरफ बढ़ेंगे, पास्टर रोबन की तरफ, वो अगर मैं अपने मेहमान से कुछ बातचीत करना चाहें तो। मैं थोड़ा सा ना पहले बात करूंगा शागिर्दियत पे कि कलाम जो है ना हमें वो शागिर्दियत के बारे में सिखाता है कि हमें शागिर्द बनना है। और कलाम के अंदर लिखा है खुदा यसुम सी ने फरमाया अपने लब मुबारक से, बस जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ और जो ईमान लाए उनको बाप बेटे और कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। तो मैं यही कहूँगा सबसे जितने नाज़रीन मुझे सुन रहे हैं देख रहे हैं कि हमें शागिर्दियत के अंदर आना है और कोशिश करें अपने बच्चों को चर्च के साथ जोड़ें, चर्च के अंदर उनको लेकर आएं, उनको चर्च की तरफ रागिब करें, ताकि जो बच्चे हैं खुदा के कलाम के अंदर लिखा है बच्चे की उस राह पर तरबियत कर जहाँ से वो बूढ़ा होकर भी पीछे ना मुड़े। तो हमें ये करना है, मैं इस पर यही बात करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को चर्च में लेकर आएँ, चर्च की तरफ उनको लेकर आएँ और उनको सिखाएं, क्योंकि जो खादिम हैं वो इसीलिए हैं कि सिखाने के लिए। जब हम छोटे बच्चों की चर्च की तरफ लेकर आएंगे ना तो जब ये आने वाले वक्त में एक अच्छे शागिर्द बनेंगे, जब अच्छे शागिर्द बनेंगे तो खुदावंद का नाम जो है हमारे वसीला से वो है वो वसत पाएगा और हम इस दुनिया के अंदर एक इनकलाब को लेकर आ सकते हैं। और कलाम जब कहता है कि हमें शागिर्द बनना है तो मैं अमूमन देखता हूँ कि हम शागिर्द नहीं बल्कि उस्ताद बनना चाहते हैं, तो हमें उस्ताद नहीं बल्कि शागिर्द बनना है, सीखना है, और सीखने का अमल हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है।
जी मुबशर साहब, ऐसा होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को चर्च तरफ लेकर आएं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा चर्च के साथ उनको जोड़ें, ठीक है, खादमों की कुर्बत उनको लेकर आएं ताकि वो सीखें। और जैसे कि आप प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, शुक्र है खुदावन का, आपको खुदा ने अच्छी आवाज़ दी, आप प्रस्तुत करते हैं, और यह है कि यूथ का हिस्सा होना चाहिए, कुछ प्रस्तुत करें, ठीक है, कुछ दुआ में जाएं, ठीक है, कुछ कलाम की तरफ जाएं ताकि मसीह का बदन तरक्की पाए। तो हमारे दरमियान मुबशर साहब हैं और हम इस मौके का फ़ायदा लेंगे और इनसे गीत भी सुनते हैं, क्यों जी मुबशर साहब? तो यहाँ पर मैं ब्रेक लेता हूँ और ब्रेक के बाद हम मुबशर साहब से गीत सुनेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे दरमियान जैसे कि मुबशर नासिर साहब हैं और वो प्रस्तुत करते हैं और हम उनसे गीत सुनेंगे और उनके वसीला से बरकत पाएंगे। जी मुबशर साहब, आप हमें कोई गीत सुनाएं ताकि हम आपके वसीला से बरकत पाएं और खुदा के नाम को जलाल दें। ये गीत मेरा लिखा हुआ है, खुदा के रूह ने मुझे दिया है। आप इस गीत के वसीला से हम सब मिलकर खुदा की प्रस्तुति करेंगे, उससे बरकत को रिसीव करेंगे। तख्त भी तेरा लगेगा, रूह का जोर बढ़ेगा, तख्त भी तेरा लगेगा, रूह का जोर बढ़ेगा।
हर एक जावर बदन को, हर एक जावर बदन को रूह से आज भरेगा, तख्त भी तेरा लगेगा, रूह का जोर बढ़ेगा, तख्त भी तेरा लगेगा, रूह का जोर बढ़ेगा। हर एक जाए खुदा तेरे ही आगे झुके, हर एक जाए खुदा तेरे ही आगे झुके, काने लगा तू दुआ पे, काने लगा तू दुआ पे, ऐ मेरे जिंदा खुदा, तख्त भी तेरा लगेगा, रूह का जोर बढ़ेगा। रूह के ही शोलों से है खुदा आज तू हमको जला, रूह के ही शोलों से है खुदा आज तू हमको जला, वादा है तेरा खुदावन, वादा है तेरा खुदावन, बारिश रुकी करेगा, तख्त भी तेरा लगेगा, रूह का जोर बढ़ेगा, तख्त भी तेरा लगेगा, रूह का जोर बढ़ेगा। प्रस्तिश मैं तेरी करूं दिलो जा से खुदा, प्रस्तिश मैं तेरी करूं दिलो जा से खुदा, हाथ कवि तेरा मुझ पे, हाथ कवि तेरा मुझ पे, रहेगा सदा है खुदा, तख्त भी तेरा लगेगा, रूह का जोर बढ़ेगा, तख्त भी तेरा लगेगा, रूह का जोर बढ़ेगा, हर एक जावर बदन को, हर एक जावर बदन को रूह से आज भरेगा, तख्त भी तेरा लगेगा, रूह का जोर बढ़ेगा, तख्त भी तेरा लगेगा, रूह का जोर बढ़ेगा। हालेलुया, तेरा शुक्र हो। जी तो मुबशर साहब, हमने गीत सुना, हम सब ने, मुझे उम्मीद है कि बड़ी बरकत पाई है, हमारे जितने सुनने वाले देखने वाले हैं सब ने बरकत पाई होगी। तो हम इसके साथ ही हम आखिर में अपनी सिस्टर की तरफ चलते हैं, सिस्टर शम्स की तरफ। तो हम उनसे छोटा सा मैसेज सुनेंगे कलाम में से, कि वो हमारे साथ जो खुदावंद यीशु मसीह ने उनको दिया है आज का मैसेज, वो हमारे साथ शेयर करें। खुदावंद के कलाम में से पढ़ूंगी, यूहन्ना उसका 15 बाब और उसकी 7 आयत से लेकर 10 आयत तक खुदावंद के कलाम में से चंद आयतें हैं जो वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जी। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। जैसा बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी वैसे ही मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो।
अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे, जैसा मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया है और उसकी मोहब्बत में कायम रहो। सो मेरे अजीजो, मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि खुदावंद ने हमें चुना है, जो हम खुदावंद के शगिर्द हैं, हमें खुदावंद में कायम रहना चाहिए और खुदावंद के हुक्मों पर अमल करना चाहिए। जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बाप से मोहब्बत रखी और वो अपने बाप में कायम रहा, इसी तरह मेरे अजीजो हमें भी अपने बाप से, जो हमारा खुदावंद यीशु मसीह है, हमें कहता है कि तुम भी अपने बाप से मोहब्बत रखो और एक दूसरे से मोहब्बत रखो। तो हम भी जब खुदावंद में कायम रहेंगे, उसके हुक्मों पर अमल करेंगे, तो ही हम बहुत सा फल लाएंगे, तो हम खुदावंद के सच्चे शगिर्द ठहराएंगे। तो जो हम खुदावंद के शगिर्द हैं, हमें चाहिए कि हम अपनी खिदमत को पहचाने, हम अच्छे मुख्तार बने, ताकि जो हमारा खुदावंद है, जो हमारा बाप है, अगर हमें उसने ये खिदमत दी है, तो हम इस खिदमत को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएं और उसकी वफादारी में रहें और एक दूसरे से मोहब्बत रखें। हमारा खुदावंद जो जिंदा खुदा है, वो कहता है कि जैसे मैंने मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। तो मेरे अज़ीज़ो, आज हमें मोहब्बत रखने की ज़रूरत है। जो मैंने ऐसे बहुत से देखे हैं, लोग हैं, ऐसे खादम भी हैं अक्सर, जो मोहब्बत नहीं रखते, लेकिन वो खुदावंद के कलाम को बयान तो करते हैं, ना वो खुद अमल करते हैं। और जैसे मेरे जैसे लोग हैं, वो भी कलाम तो पढ़ते हैं लेकिन इस पर अमल नहीं करते। तो मेरे अज़ीज़ो, हमें खुदावंद के कलाम पर अमल भी करना है, क्योंकि ईमान तो बहुत सारे लाते हैं, हर इंसान कहता है कि मैं ईमान लाया हूँ, लेकिन हमें अमल करने की भी ज़रूरत है। जब हम एक दूसरे में रहते हुए दुनियादारी में, जब हम खुदावंद से मोहब्बत रखते हैं, तो खुदावंद तो कहता है कि एक दूसरे से भी मोहब्बत रखें। तो मेरे अज़ीज़ो, आज हम क्यों नहीं मोहब्बत रखते? फिर क्यों हमारा जो जिंदा खुदा है, हमें नज़र नहीं आता? अगर हम खुदावंद में कायम हैं, तो फिर हमारे अंदर मोहब्बत भी होनी चाहिए। हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। हम सच्चे खुदावंद के शगिर्द तभी ठहर सकते हैं कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि बाप ने जैसे मोहब्बत रखी है, हमें भी ऐसे ही मोहब्बत रखनी चाहिए और हमें उसके हुक्मों पर अमल करना चाहिए, उसमें कायम रहना चाहिए। क्योंकि खुदावंद जो जिंदा खुदा है, उसने किसी लालच के ज़रिए से हमसे मोहब्बत नहीं रखी, उसने अपनी जान दे दी, अपना खून हमारी खातर बहाया। हमें भी आज ऐसे ही करना है कि जब हम मोहब्बत रखेंगे, खुदावंद के कभी हाथ के नीचे से फरोतनी से ठहरे रहेंगे, तो फिर हमें खुदावंद सरफराज करेगा, हमें फिर खुदावंद कामयाब करेगा। खुदावंद तो कहता है कि तू जहाँ जहाँ जाएगा, मैं तेरे साथ हूँ। तो खुदावंद हमें हर वक्त संभालता है, हमें गिरने नहीं देता, और वो कहता है मोहब्बत रखो। तो हमें आज हर इंसान से मोहब्बत रखनी चाहिए, जो गिर चुके हैं, जो भटक चुके हैं। अगर हम प्यार से खुदावंद के कलाम को उनके साथ बयान करेंगे, शेयर करेंगे, तो वो हमारे चाल चलन की वजह से भी खुदावंद की तरफ आ सकते हैं। जब हम मोहब्बत से किसी को अपनी तरफ खींचते हैं, खुदावंद के कलाम की तरफ, तो फिर वो खुदावंद की हजूरी में आ जाता है। अगर हम कहें कि ज़बरदस्ती किसी को खुदावंद की तरफ लेके आए, या अपनी तरफ कहें कि जैसे मैं बनता हूँ या हूँ वैसे ही आप बन जाओ, तो हम कुछ भी नहीं, क्योंकि हम खुदावंद से जुदा होकर कुछ भी नहीं हैं। तो हमें चाहिए कि हम मोहब्बत में कायम रहें। अगर हम खुदावंद के शगिर्द हैं, तो हमें खुदावंद की तरह अपने चाल चलन को भी दुरुस्त करना है, हमें हलीम बनना है, हमें फरोतन बनना है। क्योंकि गलतियों 5 और उसकी 22 आयत में लिखा है कि सबसे मीठा फल जो है वो मोहब्बत है। अगर हम मोहब्बत में हैं, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। जो हमारे बहन भाई या माँ बाप खुदावंद में नहीं हैं, तो वो भी आ सकते हैं, क्योंकि हमारा खुदावंद मोहब्बत है। हालेलुया। तो मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ, और मेरी तमाम लोगों से जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मेरी उनसे यही दरख्वास्त है कि हमें एक दूसरे से मोहब्बत रखनी है, ना कि हम एक दूसरे की टांग को खींचे और गराएं, बल्कि हमने हर एक को अप करना है, और वो है खुदावंद का कलाम, जिसे हम कर सकते हैं, क्योंकि खुदावंद की मोहब्बत ही है जो सब कुछ कर सकती है और हर एक को हलीम बना सकती है। आमीन। जी नाज़रीन, तो हमने मैसेज सुना अपनी सिस्टर से, उन्होंने कलाम मुक़द्दस हमारे साथ शेयर किया,
और मुझे उम्मीद है कि हम सब ने बड़ी बरकत पाई है। हमें ज़रूरत है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत को साथ लेके चलें। हम जानते हैं कि खुदावंद ने हमारे साथ किस तरह की मोहब्बत की, हम उस तरह की मोहब्बत तो कर ही नहीं सकते किसी के साथ भी। उसने हमारे लिए अपनी जान दी, अपना खून बहाया हमारे लिए। तो हम अगर उसके हुक्मों पर अमल करें, हम इस तरह मोहब्बत कर सकते कि उसके हुक्मों पर अमल करें, उसके लोगों के साथ प्यार करें, उसके जो उसके खादम हैं उनकी खिदमत करें। तो हम इसी में बढ़ें और मोहब्बत यही है। तो हमें उम्मीद है कि जिस तरह हम सब ने बरकत पाई है, हमारे सारे सुनने वालों ने, देखने वालों ने भी बरकत पाई होगी। आमीन, आमीन। जी सिस्टर जी, तो हम शुक्रगुजार हैं आपके बहुत ज़्यादा कि आपने हमारे साथ कलाम शेयर किया। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह हम सब ने बरकत पाई है, आप सब ने भी, जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब ने बरकत पाई होगी। तो हम अपने मेहमानों के शुक्रगुजार हैं। हम सिस्टर जी आपका शुक्रगुजार हैं, मुबशर साहब, डीकन भाई जो हैं, हम आप सबके शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे शो में आए, और खुदावंद आप सबको बरकत दे। जी सिस्टर फरजाना, मैं भी खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि गुड शेपर्ड टेलीविज़न ने आज हमें यहाँ बुलाया, हमें मौका दिया कि हम खुदावंद के कलाम को बयान कर सकें दूसरों के साथ भी और आपके साथ भी। हम सब ने बहुत बरकत पाई है, हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं और आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें यहाँ दावत दी और हम आए। जी हम भी खुदावंद का शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद ने हमें इस जगह पर लाए कि ताकि हम गुड शेपर्ड टीवी के साथ आपके साथ रफाकत रखें, क्योंकि खुदावंद का कलाम भी ये कहता है कि मसीह में आप सब रफाकत रखो। और आज की रफाकत के लिए हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद ने हमें मौका बख्शा। बिशप साहब के भी हम शुक्रगुजार हैं जिनके वसीला से हम इस जगह पर आए और आपके साथ हमने रफाकत रखी और खुदावंद के कलाम को सुना, वर्शिप की और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दिया। आमीन। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ सिस्टर जी, आपका भी, बिशप साहब का भी, कि उन्होंने हमें दावत दी कि हम इस जगह पर आएँ, कलाम की बातें भी करें और गवाही भी शेयर की हमने, और प्रस्तिश भी की, और प्रस्तिश के वसीला से हमने एक दूसरे से बरकत भी रिसीव की, हमने बरकत भी पाई खुदा उनसे। और चैनल के लिए खुदा उस चैनल को और ज़्यादा बढ़ाए, और खुदा के खादम के लिए मैं और ज़्यादा बरकत चाहता हूँ कि खुदा उन अपने जलाल के लिए दुनिया के कोने कोने तक इसका चैनल के वसीला से कलाम पहुंचे। जी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने, आप सब ने हमें ये मौका दिया कि हम गुड शेपर्ड चैनल में आए और खुदावंद की बातों को सीखे और अपनी गवाहियां जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और बिशप साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जहाँ कहीं भी खुदावंद उनको अपने जलाल में इस्तेमाल करे और इस चैनल की हदें ऐसी इसी तरह बढ़ती जाए और खुदा इसको इतना बढ़ाए कि मुल्क पाकिस्तान में जितने भी मुल्क है सब में। आमीन। बहुत शुक्रिया भाई आपका। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह हमने बरकत पाई है, आप सब ने भी जो देख रहे हैं सुन रहे हैं बरकत पाई होगी। तो इसके साथ ही हम यहाँ पे अपने शो का इख्तिताम करते हैं। आपसे मुलाकात होगी एक नई एपिसोड में नए मेहमानों के साथ। देखते रहिए डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट ओनली ऑन गुड शेपर्ड टेलीविज़न। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।